के रिगार्डिंग सर आपके पास कॉल की गई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर विकास है। विकास? ओके। कैसबिन से बोल रहे? यस सर। जी बोलिए सर। आपका जो लोन अमाउंट है 2219 रुपीज का अमाउंट है, एक दिन सर आपका ओवरड्यू हो चुका है। आगे बढ़ने से सर पहले मैं बताना चाहूंगा, यह कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। सर आप मुझे बताएंगे किस टाइम आपका रीपेमेंट होगा? सर मैं पेमेंट नहीं करूंगा। क्यों सर? सर प्रॉब्लम ये हुई, मेरे पास इससे पहले वाला जो लोन था वो इससे ज्यादा अमाउंट का था। बिल्कुल सर। और इससे पहले भी मैंने 2-3 बार रीपेमेंट किया हुआ है, लिया हुआ है। मैं कस्टमर केयर का कॉल आया हुआ था इससे पहले भी मेरे पास, आप देखिए आपकी कॉल आई होगी आप लोगों की, तो उसमें उसने बोला था कि आप 1-2 बार लेंगे तो आपको लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी। 1 लाख की लिमिट दिखाई जा रही, तो नहीं 1 लाख तो 50,000 तो फिर भी मिलना चाहिए। 2-3 हजार रुपए लोन मैं ऐसे ही किसी से मांग लूंगा मिल जाएगा? इतना बड़ा तुमको मैं ब्याज क्यों दूंगा 2-3 हजार के लिए? जो 2500 दूं और 3000 लूं, 2500 या 3000 दूं तुमको 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हमको ऐसी कौन सी जरूरत है? पैसे चाहिए 5-6 महीने के लिए लोन के लिए। ओके सही बात है सर आपकी। और कुछ पूछना है? तो बस यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास कॉल आया अभी पिछली बार तो बोले कि आप अभी पेमेंट कर दीजिए, आपकी लिमिट डबल कर दी जाएगी। मेरी 5000 की लिमिट थी, 500 रुपए मेरी लिमिट बढ़ाई जितना मैंने ब्याज दिया तुमको। अच्छा जी। इसलिए मैंने फिर जितना ब्याज दिया था तुमको जोड़ बटोर के मैंने पूरा 2000 अपना निकाल लिया, इसीलिए मैंने 4000 नहीं लिया। मैं तुम्हारा नहीं चाहिए। कोई बात नहीं सर, मेरी बात सुन लीजिए। जी आपको बता देता हूँ, मेरा नाम आकाश कुमार है। आप कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मेरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। झूठ देखिए, जो आपसे बोला गया है वो सर आपसे झूठ बोला गया है। ओके सर। नहीं तो मेरे पास आपके कस्टमर ने क्यों कहा कि आपकी लिमिट डबल कर दी जाएगी, आप अभी पेमेंट कर दीजिए, 12 बजे 1 बजे से पहले कर दीजिए। किसने बोला ये सर? पिछली बार आपकी पिछली बार कॉल आई थी कैशबिन से, तो मैंने पेमेंट किया हुआ था उस टाइम पे। इसके बाद में लिमिट मेरी नहीं बढ़ी सर, और आप लोग दिखाते हैं इंक्रीज लिमिट इंक्रीज लिमिट इंक्रीज लिमिट हो ही नहीं रही है। सर मैं बता देता हूँ, आपकी जिस एग्जीक्यूटिव से भी बात हुई है उसने आपसे झूठ बोला है, मैं आपको स्पष्ट बोल सकता हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं झूठ बोलूंगा, मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप तो जानते हैं मुझे, मेरा काम है जॉब। ओके मेरा ये काम है, तो मैं आपसे सिर्फ काम करूंगा, जो मेरा काम होगा वो बताऊंगा आपको। ओके ठीक ठीक है, बता दीजिए सर। आपको बता देता हूँ, जो आपसे बोला गया है वो जिस भी बंदे ने बोला है, आपसे एग्जीक्यूटिव ने बोला है, उन्होंने एक तो झूठ बोला है। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप हमारी जो पीसी फाइनेंशियल की मेल है आप उस पर सेंड कर दीजिए। मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, मेरा नॉर्मल फोन है, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करता। कोई बात नहीं, अगर आइंदा आपके साथ ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी कंपनी से हो, मैं ये नहीं कहता कोई भी कैशबिन हो कोई भी हो, तो आप सबसे पहले उनकी जो ऑफिशियल मेल होती है उन पर जाके कर सकते हैं, इस बंदे के नाम पर कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। ओके अब दूसरी बात, आप पेमेंट बोल रहे हैं मैं नहीं करूंगा। हमारे यहाँ सर ओनली 60,000 तक का लोन प्रोवाइड होता है। आपसे जो बोला गया है ना 1 लाख का लोन। ओके नो सर। नहीं मतलब लिमिट बढ़ाती जाएगी नहीं, 1 लाख मुझे 20,000-25,000 एक बार मिल जाए तो उसको मैं यूज भी लगा दूंगा 2-4 महीने के लिए। 15 दिन के लिए मैं पैसे किसी से ऐसे दोस्त से मांग लूंगा तो 2000 दे देगा। मैं तुमसे 2000 लेके 2200-2500 क्यों दूं? 1800 दिया तुमने मुझे पिछली बार, और मैं 2200 दूं तुमको 10 दिन के लिए? मैं आपको बता देता हूँ, कोई नहीं। आपका लोन कितना का है? 1800 रुपए दिया है आपने, 1818 रुपए मिले मुझे इस बार, अभी इस बार। एक मिनट सर लाइन पे चेक करिए, आपने 2000 दे रहे थे उसमें भी काट लिया कुछ 150। हमारे यहाँ सर 2000 रुपए अकाउंट आपके गया है, 2000 रुपए उसमें से काटा। किस और कटा है कोई चार्ज आपका? नहीं हमारा कोई चार्ज नहीं कटा, वो आपका अकाउंट में कोई चार्ज कटा होगा बट हमारा कोई चार्ज अकाउंट में बैंक में नहीं कटा। मेरे अकाउंट में 2000 नहीं रिफिल आया है। आपके अकाउंट में सर 2000 ही गया है, आपको बता देता हूँ। 8 नवंबर को गया है। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे पास 2000 नहीं गया है तो आप मेरे को स्टेटमेंट भेज सकते हैं, मैं यहाँ से कंप्लेन डाल सकता हूँ। ओके तो कोई बैंक का चार्ज वगैरह कट गया, लेकिन मेरे में 150-150 रुपए ऐसे चार्ज कट गया, मेरे 1800 रुपए लगा मेरे हाथ, और मैं 1800 का 2200 रुपए दूं? नहीं मेरी बात 15 दिन के लिए सर हमारे यहाँ एक्चुअली एक इंस्टेंट लोन दिया जाता है। ओके सर, इंस्टेंट लोन यानी आपको किसी इमरजेंसी के लिए आवश्यकता है तो वो लोन होता है ओनली 15 डेज के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट डाल सकते हैं सर। लेकिन जो हमारा काम है, देखिए मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से सर बात कर रहा हूँ, ओके ना मैं कोई कस्टमर केयर हूँ, मेरा काम है ओनली कलेक्शन करना, समझ सकते हैं ना जी? ठीक है, जो भी आपके पास कॉल आई थी पिछली बार वो भी कलेक्शन डिपार्टमेंट से ही होंगे, लेकिन बट उन्होंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके सर, अगर आपको लगता है, देखिए जो आपको लोन अमाउंट है ये आपको पे तो करना होगा, आप मुझे नहीं करेंगे, आप हमारे दूसरे एग्जीक्यूटिव या फिर हो सकता है आपके पास कोई नोटिस वगैरह भी पहुंच सकता है सर, अगर आप ज़्यादा दिन लेट कर देते हैं। जो लोन आपने लिया है उसको अमाउंट पे करना होगा। ओके सर, लेकिन हाँ ये चीज़ मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ ओनली सर 60,000 तक का ही लोन प्राप्त हो सकता है। ओके सर, अरे नोटिस वगैरह जो आते हैं आपके, वो मुझे पता है व्हाट्सएप पे नोटिस भेजते हो, कोई नोटिस होते हैं?
सर मेरी बात सुनिए, वो मुझे पता नहीं, जो भी हमारी सीनियर डिपार्टमेंट की टीम है वो भेज सकती है आपको, जो भी है भेजती है नहीं भेजती है मुझे नहीं पता। हाँ। जो मेरा काम है आपको सिर्फ बताना है, जो 2000 रुपीज का लोन अमाउंट है ये आपको सर पे करना होगा। नहीं पे करना है तो आप मुझे एक रीजन दे सकते हैं किस रीजन से आपने हमारे यहाँ पे अप्लाई किया था? ठीक है, आपने अप्लाई किया, आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पे नहीं करना, मेरे को इतना इंस्टेंट लगा है, तो आप हमारे 3 बार ऑलरेडी ले चुके हैं हमारे यहाँ से तीन बार लोन, 1600 रुपये, 3600 रुपये, 4000 रुपये। आप बोल रहे हैं मेरी जो क्रेडिट स्कोर है वो 4000 रुपये मैंने लिया, मैं जो 4500 मैंने 15 दिन बाद तुम्हें रिपेमेंट किया, उन्होंने बोला कि आपकी डबल कर दी जाएगी, मुझे मतलब 10000 कर दी जाएगी या 9000। लेकिन मेरी बात सुनिए सर जी, ये हमारे हाथ में नहीं है, जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है हमारे हाथ में नहीं, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी मुझे? तो सर वो मैं बोल तो रहा हूँ, आप मुझसे कंप्लेन नहीं कर सकते, आप हमारी जो मेल है पीसी फाइनेंशियल पिछली, वो आप लोग खुद ही चेक करेंगे, अगर आपको 2000 चाहिए तो आप खुद ही चेक करोगे, क्योंकि मैंने पिछली बार लिया, उसके अगली बार लिया, फिर ये लिया, 3 बार लिया मैंने, उतना ब्याज दे दिया, उतना उस टाइम मैंने निकाल लिया। कोई बात नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पेमेंट नहीं करते आपके पास बार बार कॉल आती रहेगी एंड आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल जाएगी। ओके सर, कोई बात, रेफरेंस नंबर जितने हो सारे मेरे पड़े, मैं रेफरेंस वालों के रेफरेंस नंबर नहीं डालता हूँ, इसीलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसके भी आपने डाले हैं वो अपने अपने नंबर डाले, स्विच ऑफ बताएंगे और मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा, कॉल नहीं उठाऊंगा, एक बार मना करूंगा। एक मिनट, हमारे यहाँ सर फोन का भंडार है, पता है आपको, आप बोल रहे हैं ना कि मैं ब्लैक लिस्ट डालने की गलती मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ फोन की थोड़ी कमी है, आप मुझे बताइए। तो कोई बात नहीं, मुझे मजा भी आता है बात करने में। नहीं नहीं नहीं, वही चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, आप बोल रहे मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, ब्लैक लिस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता सर। नहीं तो मैं भाई मैं मजे लूंगा बात करके, मुझे और मजा आएगा, लड़कियाँ बात करेंगी तो और मजा आएगा। हाँ अरे मैं अभी करा दूँ सर। करा दो यार, तो बढ़िया है। एक मिनट सर, लाइन पे ही रहिए, अभी आपकी कॉल ट्रांसफर ही कर देता हूँ। ओके ठीक है, लो कर लो बात।